तन पर बड़ा प्यारा भाव उत्पुरंजनोपाख्यान में आया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, एक राजा थे प्राचीन बरही, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ में वो पशुओं की बलि देते थे। देखो, किसी काल में किसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुओं की बलि की वर्णन आया है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो है एकदम पशुओं की बलि दो। उसके उपाय भी आचार्यों ने बताए। पशुओं की बलि देने की बजाय नारियल की बलि, कुमड़ा की बलि, नींबू की बलि आदि आदि विधान बतलाए हैं। लेकिन राजा एकदम पशुओं की बलि देवे, ये तो वैसे ही हो गया। एक विद्यालय में, संस्कृत के विद्यालय में एक विद्यार्थी रहता था, उसे बीड़ी पीने की बड़ी आदत, दिन ना रात सूंटा लगावे, जब मौका मिले सोई कोने में जावे और धुआं उड़ावे। आचार्य जी बड़े हैरान। एक दिन आचार्य जी ने पकड़ लिया, धूर्त नालायक, बीड़ी पीता है। सरकार क्या करें, बीड़ी नहीं पिएंगे आनंद नहीं आएगा। है चुप हो जा, देख आज तू प्रण ले के आज के बाद बीड़ी नहीं पिएंगे। हाथ जोड़ के बोला, सरकार हम बीड़ी तो नहीं पिएंगे, पर पेट साफ नहीं होगा तब, क्योंकि हमारा पेट साफ भी बीड़ी पी से होता है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात, सुन 6 दिन मत पीना, रविवार का रविवार पी लेना। हाँ ये बढ़िया है, ये ठीक है। अब जैसे ही रविवार आया तो गुरुजी तो कहीं बाहर गए थे, इसने बीड़ी बंडल पूरे उठवाए दुकान से और बीच में रख करके बोला, आओ 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 आओ, आज रविवार है, बीड़ी पियो, सब बीड़ी पीने से पुण्य प्राप्त होता है, गुरुजी ने कहा है। ओहो, जैसे ही सुना तो जितने विद्यार्थी थे लगे सब सूटा लगाने, कोई नाक से धुआं निकाले तो कोई आंखों से। जब गुरुजी आए तो देखा, अरे आज लगता है हवन हो रहा है क्या आश्रम में। नजदीक आकर देखा, अरे ये तो बीड़ी की जग चल रही है। और डांटा गुरुदेव ने, हट, ये क्या मचा रखा है। तो सब विद्यार्थी हाथ जोड़ के बोले, सरकार आपने ही तो अमुक विद्यार्थी से कहा था कि रविवार को बीड़ी पीने से पुण्य मिलता है, रविवार को छुट्टी है बीड़ी पीने की। ओ आचार्य जी ने कहा, अरे पागलो, दरअसल उसको बीमारी थी, तो 7 दिन पीता था, तो हमने सोचा कैसे भी कम हो, रविवार को पिएगा, बाकी 6 दिन तो नहीं पिएगा, इसलिए उसे रविवार की व्यवस्था बतलाई थी कि रविवार को पी सकते हो। पर इसका मतलब ये तो थोड़ी कि जो नहीं पीते वो भी पिए। इसलिए कभी कभी पूर्ण बात ना समझने पर अर्थ का अनर्थ निकल आता है। एक बार एक आदमी ने वेद की पुस्तक पढ़ी, शायद हमारे जैसा मूर्ख रहा होगा। उसने वेद की पुस्तक पढ़ी तो वेद की पुस्तक में दूसरी पेज की नीचे की लाइन पे लिखा था, वेद पढ़ना पाप। अब वो बड़े बड़े आचार्यों को दिखाए, देखो वेद की किताब में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, तुम लोग कहते वेद पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है। आचार्य बड़े बड़े चौंके, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही किताब पढ़े तो उसमें तो लिखा था वेद पढ़ना पाप है। अब सब बड़े हैरान। एक प्रकांड विद्वान उस समय के थे, उनके पास वो समस्या गई कि देखो भाई, इस किताब में लिखा है, वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, लाओ जरा पुस्तक। जैसे ही पुस्तक लाए तो लिखा तो था वेद पढ़ना पाप है, लेकिन जैसे ही पन्ना पलटाया तो आगे लिखा था अशौच अवस्था, अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, बाकी पढ़ सकते हो। जो बुद्धि के कमजोर होते हैं वो एक ही बात को पकड़कर रह जाते हैं और आगे का हाल जानते नहीं, सो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी सियाबल रामचंद्र की। ऐसे ही एक बार कचौरी गली में हमारा चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल कचौरी गली में गया, जोर जोर से आवाज लगाने लगा, 400 में जिंदगी भर बैठकर खाइए, 400 में जिंदगी भर बैठकर खाइए। उस कचौरी गली में बड़े बड़े आचार्य रहते थे, प्राकंड विद्वान, हमारे बड़े बड़े आचार्य। इन्होंने कहा ये पहली बार मौका मिला है कि 400 में जिंदगी भर बैठकर खाओ। बाहर निकले, 400 दिया, बताओ भाई कौन सी ऐसी पॉलिसी है। उसने कुर्सी निकाल के दे दी, बोले कुर्सी है, इस पर बैठकर जिंदगी भर पाइए, 400 की एक। भाई बोला भी उसने गलत नहीं, उसने बोला भी एकदम तर्कसंगत बात। 400 में जिंदगी भर बैठकर खाई है और कुर्सी बेच दी 400 रुपया की, 250 की कुर्सी 400 में बेच दी। बोले इस पर बैठो खाओ, भोजन तुम्हारा कुर्सी हमारी, बैठने की व्यवस्था है। पूर्ण बात ना समझने का, देखो बुरा मत मानना, कई बार हम लोग देखा देखी के चक्कर में भी बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, एक बार एक कथा व्यास को पेट में दर्द हुआ तो वो लोटा बांध के बैठ गए व्यासपीठ पर, पेट में लोटा बांध कर। तो दूसरे जो छोटे मोटे कथा व्यास थे वो भी सुनने आए, उन्होंने देखा वाह लोटा बांधकर व्यास गद्दी पर बैठो तो कथा ज्यादा जमती है। तो दूसरी जगह जब उनकी कथा हुई तो वो डबल लोटा बांधकर बैठे। अब अर्थ तो उन्हें पता ही नहीं था। तो जब वो पहले वाले व्यास उनके पास गए, बोले तुम क्यों दो दो लोटा बांधे हो? बोले आप बांधे थे एक लोटा, हमने देखा कि लोटा बांधे तो कथा में ज्यादा श्रोता आते हैं। अरे बोले हमारा तो पेट दर्द कर रहा हो तो नक्कटा, इसलिए पेट में लोटा बांध देते हैं। देखा देखी बड़ी गजब। इसलिए संपूर्ण बात को समझे बिना ना तो बोलना चाहिए ना स्वीकार करना चाहिए। पहले बात को समझो फिर स्वीकार करो। बोलो सीताराम। वरना घाटा खाओगे। एक बार हमारा चेला चंगीलाल, देखो भागवत है ही है, दृष्टांत, कुशलो, धीरा, वक्ता, कार्योदी। हाँ, तो समझ में आना चाहिए आपको। एक बार हमारा चेला चंगीलाल अपने राजा के साथ राजा की ससुराल गया। तो राजाओं के स्वागत तो बड़े भव्य होते हैं, बड़ा दिव्य स्वागत हुआ, फूल माला आरती हुई, कुंवर साहब आए, कुंवर साहब आए, कुंवर साहब आए। गर्मियों के दिन, जून का महीना, रात को बयारी भई, भोजन भये, 56 भोग। राजा से पूछा कुंवर साहब आप कहाँ विश्राम करोगे? तो राजा ने कहा कि हम छत पर विश्राम करेंगे। चंगीलाल गौर से देख रहा था कि ससुराल में क्या क्या करना होता है, जरा हम भी सीखें। हाँ, तो छत पर बिस्तर लगाए गए। बोले अब पंखा लगाओ, राजा ने कहा। तो ससुराल वालों ने गर्मियों के दिन पंखा लगाया, मटके में ठंडा पानी रखा, एक भी चादरा नहीं, और बड़े आराम से सोया। चंगीलाल ने एक एक बात नोट कर ली कि ससुराल में ऐसे सुविधा ली जाती है। तो चंगीलाल भी अपनी ससुराल गया, पर मौसम बदल गया। राजा गए थे जून के महीने में, ये गया जनवरी में। हाँ, लेकिन बात तो वही इसके दिमाग में फिट थी। तो जब ससुराल वालों ने भोजन वोजन करवा दिया तो बोले लाला जी हुक्म करो आप कहाँ सोओगे? तो चंगीलाल बोला छत पर, क्योंकि तो दिमाग में तो छत था। तो घर वालों ने कहा कि कहीं आप सठिया तो नहीं गए, ठंडियों के दिन में कोई छत पर? बोले हम वहीं सोएंगे। सुना नहीं, छत पर। अब रिश्तेदार हैं, लालाजू हैं, कौन बोले? सो छत पर पलंग बिछाया। बोले अब पंखा लगाओ। लोगों को लगा कि सठिया गए, बिल्कुल जनवरी के महीने में छत पर पलंग और फिर पंखा। बोले सुन रहे हो कि नहीं, हम जाएं? घर वाले बोले जाओ मत, कौन हमें मरना है। तो ससुराल वालों ने, साले साहब ने कूलर रख दिया। बोले पंखा क्यों, कूलर ले। दूसरा साला तो और बड़ा गजब का रहा होगा, काशी का आदमी। दूसरा बोला एसी लगाएं। बोले नहीं चलेगा। कूलर लग गया। अब देखना, हाँ भाई मटके में पानी लाओ ठंडा। घर वाले बोले बड़े विचित्र आदमी, ठंडियों में वो भी कोई ठंडा पानी पीता है? इंसान तक तो ठंडा हो जाता है, इसने तो हद कर दी। बोले अगर बर्फ हो तो वो और ज्यादा अच्छा है। घर वालों ने मटके में पानी रखा। घर वाले समझ गए कि अब इन्हें बचना। अच्छा, घर वाले बोले चलो छत पर लेटे, कूलर लगाए, कम से कम रजाई तो मोटी। बोले बिल्कुल नहीं, चादरा भी ले जाओ, क्योंकि उन्होंने देखा था कि राजा ने चादरा भी हटा दिया था। बोले ये भी ले जाओ। घर वाले बोले अब तो रात निकालने राम ही है भगलों से। तो जैसे ही चंगीलाल मारे ताव के लेट तो गया, अब कुछ कह तो सकता नहीं। 1-1.5 घंटे बाद इनके ताजिया ठंडे हो गए। हाँ, भीतर से एकदम शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जब सुबह हुई, अब मारे ताव के लेट गए, कह सकते नहीं, भाग सकते नहीं, करें क्या? जैसे तैसे रात निकाली, सुबह तक हाथ पांव इनके लकवा जैसे हो गए, जैसे पैरालिसिस लग गया हो। जब घर वाले आए कि जिंदा हैं कि नहीं, तब देखा तो ये बिच्छू बने रहा है ऐसे। तो कहा कि अब और कुछ तो नहीं चाहिए, अब इनके मुंह से जवाब ही ना निकले। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा घाटा खाते हैं, जो बात को समझते नहीं हैं, वो अर्थ का अनर्थ कर देते। बोलो वृंदावन बिहारी।